बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज असा बनाने हैं जी रेड किडनी बीन, इसकी पुठनी दाल भी आखने, राजमा भी आखने, तो वह असा अज बनाने हैं। तो तकने इसी बनाने वास्ते असा कि केड़ा केड़ा इंग्रेडिएंट चाहिए, ये 6 डब्बे असा किसा पुठने, फिर उस तो बाद असा उस तो बाद असा प्याज बाए त्रै बूटे इनकी की क्रश किया, टमाटर असा बाए त्रै टमाटर बाए, 5 ग्रीन मर्चा वो भी क्रश कीतिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट जड़ा ना ये तकरीबन 2 चम्मच है, उसने तो बाद असा 2 चम्मच जड़े ना वो बसार किंदे, 1 टीस्पून जड़ी है वो काली मर्च किंदी है, 1 नमक से थोड़ा पाया क्योंकि नमक बाद चो ज़्यादा भी पी सकना, अगर ज़्यादा भी जाए तो थोड़ा नहीं होना, तो थोड़ा पाया तो ज़्यादा पी सकना, तो ये मिक्स मसाला जड़ा ना ये 1 चम्मच असा, तो हूँ अच्छो असा इसकी बनाना शुरू करने हैं, तो फिर इंशाल्लाह बाद इसने टेस्ट चेक कर। अच्छा हूँ असा तेल जड़ा है ये असा अद्धा कप तेल किंदा सी वो बाया, और तेल जड़ा गर्म हो गया, हूँ असा इसमें प्याज पानी है, हूँ असा इस प्याज की ब्राउन कर सा, जिसलै ब्राउन हो जासी थोड़ा जा ब्राउन हो सी तो फिर असा इसमें बाकी टमाटर पा सा, तो बाकी चीज़ा पा सा, तो फिर असा ये मसाला बना सा, तो फिर अगे कर सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज थोड़ा जा ब्राउन हो गया जी, असा इस तू ज़्यादा नहीं सी करना, असा हूँ इसने टमाटर ते मर्चां जिहड़े असां क्रश कीतियां सन ओह पाउणे आ, नाल ही जिंजर गार्लिक पेस्ट, इन्ना की भुनने सारिया चीजा की, माशाला जी हमें मसाला सारा भुजी गया, इस मटर छोड़ दिता, हूँ इसने जैसा स्पाइसेस बनाना, नमक जिस तरह मैं थोड़ा पाया सी तुसा तो साफ है ना भाई, कि मैं क्यों मैं बाद चेक करी तो फिर बस हाँ जो किसी ज़्यादा बना पिया, कई बार ज़्यादा ना हो जाए वो, फिर थोड़ा जहा इसी असा भुनसा, फिर असं इसी थोड़ा जहा पानी पासा ताकि मसाला सारा जलै ना सड़े ना, तो थोड़ा जहा पानी पासा, तो मसाला अच्छी तरह भुजी भी जाना, तो सन्ना भी थल भी नहीं लगना, हूँ असा इसी कोई 2-3 मिनट भुनसा, तो उसने तो बाद फिर असा इसने दाल जरा उबासा, माशाल्लाह जी तको सारा मसाला भुजी गया फर्स्ट क्लास, अपना बटर छोड़ दिता, तेल छोड़ दिता, हूँ मैं इसने दाल बना लूँ, असर 2-3-4 मिनट वास्ते रखा, 4 मिनट वास्ते असा 4-5 मिनट दाली की भुनने वास्ते,
मसाला मसाला सारी दाल तवे की दाल भी भुजी गई है। इस अपना बटर छोड़ दिता तो हूँ असने पानी बासा क्योंकि अस चावलों इस्तेमाल कर सावलों इस तरह नहीं सुनी जी नहीं इस्तेमाल हो सकनी। अस इसने पानी बासा कोई तकरीबन डेढ़ गिलास तुसा अपने हिसाब जितना बहना चाहो वह बही सकनी हो जो सुक्कू नहीं रखना चाहो तो सुक्कू नहीं रखी किन्ना गिलास थोड़ा पानी पकासा तो दाल साड़ी रेडी है तो चावलों से बहित है तो तुम खाई सकने चावलों ही थोड़ा जहा शोरा वै तो वह ठीक होना बनस्पत के बिल्कुल सुके ने सुके ने सुके माशाल्लाह तको जी साड़ी दाल रेडी हुई है। जिहड़ी दाल चावलों पर बाही ना इस तरह थोड़ा जिहा उसने पानी शानी होना चाहिए ना मुंडू जी है ना वो कुछ नहीं होनी चाहिए। तो हूँ असं इसकी डिश आउट करनी है तो इसमें थोड़ी अग साई छोड़ने जिस गार्निश की है चावल भी चावल असं वाले सन क्योंकि चावल तो नहीं वीडियो शो किए कि चावल हर बंदा बनाई किन्ना वाले वालना चावल सौखे ने जरा ना हूँ मैं इसने पर धनिया पाना देखो जी नाइस कंबीनेशन बनिया चावलों ना तो दाली ना ये बच्चे जड़े ना बड़े शौक नाल खाने न। अच्छा इस साड़ी रेसिपी की तुसां स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो जी तो इंशाल्लाह इस तरह रिजल्ट निकल सी तो नाइस दाल बन सी ये दाल बच्चे बड़े शौक नाल खाने न। तुसां अपने बच्चों की बनाई के दाल तो चावल जड़े ना दिया है तो साड़ी रेसिपी की मी उम्मीद है भी तुसां पसंद किया उसी तो जिहड़े नवें तकन आए न वो प्लीज़ असां की सबसक्राइब करो तो बैल आइकन पर बटन दबाओ तो असां दी हौसला अफजाई वास्ते अपने कमेंट्स देने जो तुसां भैणां भरावां दा बहुत शुक्रिया जिहड़े भी साढ़े सामीन तकने साड़ी वीडियो बड़े कमेंट्स करने असां की कोई चार पाँच फरमाइशां आई कि ये चीज़ बनाओ वो इंशाल्लाह असां आना अशने वालियां वीडियो विच वो चीज़ां बना सां तुसां दी फरमाइशां असा इंशाल्लाह पूरियां कर सां ते हुण अल्लाह माड़ा तो तुसां नूं नगेबान ते अल्लाह तुसां गी खुश रखे ते अपना ख्याल रखे है करोने तो बचे है करोने दी हिफाजत करे है जिस तरह गौरमेंट आखनी है कि उसने विच तुसां थोड़ा डिस्टेंस रखो प्लीज़ डिस्टेंस रखो मास्क लाओ ते सैनिटाइजर नाल अपने हाथ जिहड़े नूं करो तो अपनी हिफाजत करो अपने बच्चों की हिफाजत करो अपनी फैमिली की हिफाजत करो तो अल्लाह हाफिज़।